संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। मंदिर में कर्म से पूजा की जाती है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि गतिरोध है, अवरोध है, वाद विवाद है, आरोप है, प्रत्यारोप है, ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल मन में उठता है कि संसद में मची है संग्राम। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा है कि जिस लोगों को हम लोग चुन के भेजते हैं संसद में कि इस देश का विकास होगा, जो जितने काम हो, अलग अलग बिल होते हैं, उसको पास किया जाएगा, पारित किया जाएगा, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि संसद में गतिरोध है, संग्राम का जो दौर है वो लगातार चलता है। और ऐसे में सबसे जो आपत्तिजनक है वो है निजी स्तर पर भी लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि इस संसद की लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि देश की जनता देखो अपने सांसदों को कि किस तरह से इनका बर्ताव है। कहा जा सकता है कि वाकई संसद में जो आज स्थिति है उसको लेकर हर देशवासी कहीं ना कहीं से चिंतित है कि हमारे जो लोक प्रतिनिधि हैं या फिर सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री हैं आखिर क्यों नहीं चलने दे रहे संसद को। और इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल होंगे संजय मिश्रा जी, क्योंकि संजय जी ने लगातार इन सारी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी है और आज हमसे वो इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि संसद की जो गरिमा है, संसद का जो महत्व है वो क्या है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की पूरी पूरी शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसे पूरे देश की जनता जानती है। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को या सरकार जिस प्रकार बनती और चलती है उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। ग्राम पंचायतें हमारे जनजीवन का अभिन्न अंग रही हैं। पुराने समय में गांवों की पंचायत चुनाव से गठित की जाती थी। उसे न्याय और व्यवस्था दोनों क्षेत्रों में खूब अधिकार मिले हुए थे। पंचायतों के सदस्यों का राजदरबार में बहुत ज़्यादा आदर होता था। यही पंचायतें भूमि का बंटवारा करती थी, कर वसूल करती थी। गाँव की ओर से सरकार कर का हिस्सा देती थी। कहीं कहीं कई ग्राम पंचायतों के ऊपर एक बड़ी पंचायत भी होती थी। ये उन पर निगरानी और नियंत्रण रखती थी। कुछ पुराने शिलालेख ये भी बताते हैं कि ग्राम पंचायतों के सदस्य किस प्रकार से चुने जाते थे। सदस्य बनने के लिए जरूरी गुणों और चुनावों में महिलाओं की भागीदारी के नियम भी इस पर लिखे थे। अच्छा आचरण न करने पर अथवा राजकीय धन का ठीक ठाक हिसाब न देने पर कोई भी सदस्य पद से हटाया जा सकता था। पदों पर किसी भी सदस्य का कोई निकट संबंधी नियुक्त नहीं किया जा सकता था। मध्य युग में आकर संसद और सभा और समिति जैसी संस्थाएं गायब हो गईं। ऊपर के स्तर पर लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का विकास रुक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। विदेशियों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। सेनाएं हारती जीतती रहीं, शासक बदलते रहे। हम विदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे। सिंध से असम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पंचायत संस्थाएं बराबर चलती रहीं। ये प्रादेशिक जनपद परिषद, नगर परिषद, पौर सभा, ग्राम सभा, ग्राम संघ जैसे अलग नामों से पुकारी जाती रही। सच में ये पंचायतें ही गांव की संसद थी। सन 1883 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीच दिखाई पड़े। 1853 के अंतिम चार्टर अधिनियम के द्वारा विधायी पार्षद शब्दों का प्रयोग किया गया। ये नई काउंसिल शिकायतों की जांच करने वाली और उन्हें दूर करने का प्रयास करने वाली सभा जैसा रूप धारण करने लगी। 1857 की आजादी के लिए पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय काउंसिल अधिनियम बना। इस अधिनियम को भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र कहा गया, जिसके द्वारा भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली का उद्घाटन हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर विधान बनाने की व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अंग्रेजी राज्य के भारत में जमने के बाद पहली बार विधायी निकायों में गैर सरकारी लोगों के रखने की बात को माना गया।
1860 और 1870 के दशकों से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। 1870 के अंत में 1880 के दशक के शुरू में भारतीय जनमानस राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक हो चुका था। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीतिक और राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए एक संगठन की जरूरत महसूस की गई। इसी कड़ी में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की ताकि काउंसिल में सुधार किया जा सके। ब्रिटिश संसद ने विधान परिषदों में भारत की जनता को वास्तव में प्रतिनिधित्व देने के लिए इंडियन काउंसिल्स अधिनियम 1892 को स्वीकार किया। 1919 में सुधार अधिनियम और उसके अधीन कई नियम बनाए गए, जिसके कारण केंद्र में भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, जिसमें एक थी राज्य परिषद और दूसरी थी विधानसभा। प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता था। पहली विधानसभा वर्ष 1921 में गठित हुई थी। उसके कुल 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित, 26 सरकारी सदस्य और 15 मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। तो इस तरह से अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो काफ़ी कुछ है कहने को, सुनने को, समझने को, लेकिन आजकल खासकर अगर हम वर्तमान युग की बात करें तो कई बार लगातार ये विरोधाभास पैदा होता रहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का जो रिश्ता होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, उसमें काफ़ी जो कड़वाहट आई है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है। अगर हम व्यापम घोटाले की बात करें या फिर हम कई अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों की बात करें तो कहा जा सकता है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जब संसद में गहमागहमी हो, विरोध के स्वर बुलंद होते रहे हों और काम ना हो, तो समझा जा सकता है कि वाकई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वजह है जिससे पूरा अवरोध बना हुआ है। और इसी मुद्दे पर संसद की जो अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन, उन्होंने क्या कहा, साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं शरद यादव जी, उन्होंने क्या कहा, अरुण जेटली जी ने पूरा पक्ष किस तरह से रखा, पहले सुन लेते हैं फिर हम बात करेंगे आगे। दोनों का काम है, लेकिन सदन चलाने का जो काम है अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, वो रूलिंग पार्टी से ट्रेजरी बेंचेस से इनिशिएट किया जाता है, आपने नहीं किया। और ये जो आप कह रहे हो वो लोगों के कंजम्पशन के लिए कह रहे हो, वो लोगों को बताने के लिए कह रहे हो। सीधी बात ये है कि आपने बताइए बीच का एक रास्ता भी कहीं सुझाया हो। आप सिर्फ मीटिंग बुलाते हैं, यहाँ की मीटिंग और वहाँ की मीटिंग में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो फर्क नहीं है तो निश्चित तौर पर सदन कैसे चले, कोई ना कोई रास्ता। इतने बरस से हम हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से चीजों को यानी रास्ता बनाए जाते हैं। आपने एक रास्ता भी नहीं सुझाया, एक चीज भी नहीं सुझाई, और जो का तो बना हुआ है। और नागालैंड के मामले में मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि आपने निषेध किया है, ठीक बात है। एक सुन, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद जो बयान आ रहे हैं उससे चिंता है देश को, उसके बाद से चिंता है। इसमें यह नहीं है कि आपने जो किया है उसके बारे में कोई, हम लोग तो उससे यानी हम सहमत है कि नहीं, बहुत पुरानी समस्या है, उसको हम लोगों ने डील किया। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, वो ऐसी बयानबाजी हो रही कि लोगों को, हम लोगों को लगता है कि ये मामला समझौता नहीं और तनाव बढ़ा देगा। कभी ऐसे जरूर सब टीवी पे दिखाए, लोकसभा टीवी वाले जरूर ये सब टीवी पे दिखाए, लोगों को देखने दो कि किस प्रकार का व्यवहार सांसदों का है। चेयर को टीवी पे दिखने का कोई शौक नहीं है, आप जरूर चेयर को ढाकिए और पे लोगों को देखने दीजिए, पूरे हिंदुस्तान को लोगों को देखने दीजिए। मेरा तो रिक्वेस्ट है लोकसभा टीवी शुड शो ऑल दिस थिंग, दिस इज नॉट अवे, दिस इज नॉट अवे। 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का अधिकार मार रहे हैं, 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का, ये प्रजातंत्र की हत्या है, ये प्रजातंत्र नहीं है। जरूर आपको टीवी पे देखना चाहिए, 140 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर है वो बात करना चाहते हैं, केवल 40
50 लोग पूरे सदन को रोक रहे हैं. लेट देम सी, लेट ऑल द पीपल, दैट इज रियली वेरी गुड, रियली दैट इज वेरी नाइस. टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ेगी, जो कमजोर राज्य हैं उनको इससे और अधिक लाभ होगा, देश की जीडीपी से को भी लाभ होगा. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना रवैया बदल लिया है और उनका मौजूदा रवैया यह है कि हम किसी हालत में भी इसको पास नहीं होने देंगे. और ये जो पूरा सत्र कुर्बान हुआ है, एक केंद्रीय मंत्री और दो मुख्यमंत्रियों का विषय तो एक बहाना था, कांग्रेस को केवल जीएसटी को रुकवाना था. और कांग्रेस पार्टी क्योंकि देश के आर्थिक प्रगति नहीं चाहती, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो उसकी कई नीतियां इस देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ बन गई थी, आज वो विपक्ष में रहकर भी बोझ बनना चाहती है. हम कांग्रेस पार्टी से अपील करेंगे कि इस रवैये को छोड़े. शायद उसके दोनों प्रमुख नेता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा भी इस देश में हुकूमत कर सकता है. ये वास्तविकता है इस देश की और उनको स्वीकार करना पड़ेगा. और नकारात्मक रवैये को छोड़कर उनको देश की आर्थिक वृद्धि हो जिस थे उस रास्ते के ऊपर वापस आना पड़ेगा. और सरकार अपने इरादे में बिल्कुल स्पष्ट है और फर्म है. हम जितने भी राजनीतिक और संवैधानिक ऑप्शंस हैं सरकार के सामने, हम सब खुले रखेंगे जीएसटी इस देश में शीघ्र से शीघ्र आए उसको लागू करने का. तो संसद में लगातार अलग अलग तरीके से बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस खास चर्चा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा शामिल हैं. संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है. अगर हम संसद की गरिमा की बात करते हैं, संसद की इतिहास की बात करते हैं, या फिर एक जो आदर्श हम मानते थे किसी नेता को, किसी मंत्री को, आज की तारीख में आप कैसे देखते हैं इस पूरे परिवेश को? सबसे पहली बात तो ये है अवनिंद्र की इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है जब लोकसभा स्पीकर के मुखारबिंद से यह कहते सुना गया कि देश की जनता ये देखे, ये प्रजातंत्र की हत्या है. एक आम व्यक्ति यदि उत्पात मचाता है अवनिंद्र किसी इलाके में, तो कानून और व्यवस्था भंग करने का हवाला देकर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर दिया जाता है. जी. कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि समाज पर, समाज में कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रहे इसके लिए पुलिस महकमा उसके लिए मॉनिटरिंग करता है हर समय समय पर उन तमाम इलाकों में. लेकिन संसद की मॉनिटरिंग कौन करेगा? संसद में जो कि लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर कहा जाता है और इसकी जो गरिमा है इसको लगातार ठेस, लगातार नुकसान पहुंचाने की कवायद जारी है. आज बड़ा शर्मसार कर देने वाला यह मंजर लोकसभा में देखने को मिला अवनिंद्र, कि संसद में खड़े होकर सांसद ये कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने यह कह दिया, ठिकाने व्यक्ति ने यह कह दिया, ये उसे नहीं कहना चाहिए था, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हो जाते हैं. लेकिन जो मंजर टीवी पर लगातार देखने को मिल रहा है, जिस मंजर को देखने के बाद दिल में एक वेदना सी पैदा हो जाती है अवनिंद्र, उसका निदान कौन करेगा? और खास करके पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में मानसून का सत्र शुरू है और यह देश की जनता जानना चाहती है कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके संसद का जो कामकाज किया गया, इसमें कितने विधेयक पास कराए गए, अब तक शून्य बटा सन्नाटा है. इसमें अब तक बात की जाए तो कोई कभी संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के बाहर अपना विरोध प्रकट कर रहा है, कोई अपने बांह पर काली पट्टियां बांधकर अपने विचार को प्रकट कर रहा है, ये अपनी जगह जायज है, दुरुस्त है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है. और आप तो स्वयं संसद हैं, वो जनप्रतिनिधि जिसे देश की जनता ने चुनकर उस पवित्र संसद में पहुंचाया है ताकि आप देश हित की बात करें, आप जनता को राहत, जनता को सहूलियत, जनता को उनके मूलभूत अधिकारों को मुहैया कैसे करवाते हैं, ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती आपके सामने होती है. उससे संबंधित यदि आप कोई तर्क दें तो उस पर बात समझ में आती है. लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपसी वैमनस्य,
आपसी द्वेष, आपसी दुश्मनी निकालने का ये जगह चुना गया है। आपने देखा होगा अमरिंदर की सोमवार के दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर यह कहा था कि लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलेगी और यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है तो उस आरोपित व्यक्ति को भी मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात रखने का, लेकिन आप उसकी भी सुनने को तैयार नहीं है। आपने जिस मसले को उठाया है अवनिंद्र, वो मसला है ललित मोदी का, वो मसला है व्यापारिक परीक्षा मंडल का व्यापम, जो बंद बोतल का एक प्रकार का जिन्न कहा जाए उस व्यापम को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, आपको आपको वहां पर कोई आरोप प्रत्यारोप मढ़ने की जरूरत नहीं है। आज का जो दिन है अहम दिन है, संसद का मानसून सत्र शुरू है और इसमें आपको संसद के उस पवित्र स्थान पर बैठकर इस तरीके से बात करनी चाहिए कि उसमें कहीं ना कहीं से आपके मन के भीतर की जो आपकी आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, वो आपकी देश की जनता उसे देखे, आपकी बातों को सराहे कि आपने उचित मुद्दा उठाया है। लेकिन ये सब उठाने के बजाय आप सीधे सीधे आरोप लगाते हैं, बात चाहे जो भी हो हंगामा करने लग जाते हैं, लोकसभा स्पीकर के सामने वेल में चले जाते हैं, हाथ में कुछ भी लेते हैं, कुछ भी कहते हैं। अब देश की जनता ये जानना चाहती है अवनिंद्र कि अब अपमान क्या संसद का नहीं हो रहा, क्या इसके ऊपर अब इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है। सत्ता पक्ष की यदि कोई गलती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि सत्ता पक्ष अपनी जगह पर सही है, उसके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद है। सत्ता पक्ष जब बहस करने के लिए तैयार है अवनिंद्र, तो आप बहस करने के लिए क्यों मुखर रहे हो, आप पीछे क्यों हट रहे हो। कल तक समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे थे कि यदि कांग्रेस पार्टी ऐसे ही करते रहेगी, संसद का काम नहीं चलने देगी, तो कांग्रेस पार्टी का साथ समाजवादी पार्टी छोड़ देगी। लेकिन आज भी रवैया जो कांग्रेस पार्टी का था वो वही रहा। लेकिन संजय, अगर कांग्रेस की पूरी भूमिका देखें शुरुआती दौर से, लगता है कि उसने तय कर लिया था कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ संसद की गरिमा का अपमान करना है, ऐसा तो महसूस कर रहे हैं। लेकिन अनुशासनहीनता की भी आपने मिसालें बहुत देखी होंगी, लेकिन संसद में जिस तरह से अनुशासनहीनता की जो तस्वीरें देख रही हैं, निश्चित रूप से आम आदमी बहुत दुखी होगा। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, बेहद गंभीर है, देश की प्रतिष्ठा, देश की आन बान और शान से जुड़ा हुआ ये विषय है अवनिंद्र, इसलिए ऑन कैमरा हम किसी की प्रतिक्रिया लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि मामला संसद से जुड़ा होता है और जब संसद के खिलाफ कोई खबर चलेगी तो निश्चित तौर पर उसे कहा जाएगा संसद की अवमानना, संसद की अवहेलना। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम राजनीतिक दलों के सांसद, आपने सुना होगा मुखारबिंद से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के, कि 440 लोग मिलकर 40 लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और यह प्रजातंत्र की हत्या है, तो निश्चित तौर पर इसे हमें मानना होगा कि यह प्रजातंत्र की हत्या है। शरद यादव साहब जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं राज्यसभा में कि उन्हें लंबे वर्षों का तजुर्बा है, अनुभव है, कई उन्होंने सावन देखे हैं, संसद के कई काल को उन्होंने देखा है, लेकिन उनका यह कहना था विकल्प। अब विकल्प पे आ जाइए अवनिंद्र, कि ये कहते हैं कि आपने कोई विकल्प नहीं दिया, लेकिन आप विकल्प की बात करते हैं, विकल्प की बात करने के बजाय आपको तो संकल्प लेना चाहिए संसद को चलाने के लिए, क्योंकि संसद में जब कोई मामला उठता है तो वो देश हित से जुड़ा हुआ मामला होता है, और खास करके एक तरफ सीमावर्ती इलाकों में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। यानी संजय, जो हमेशा विकल्प की तलाश करते हैं उनमें संकल्प नहीं है। जी बिल्कुल, और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप विकल्प की बात करते हैं, लेकिन आप विकल्प की बात करने के बजाय यदि आप संकल्प ले लें कि इस संसद को किसी सूरत में चलने देना है, तो निश्चित तौर पर देश की जनता का भी भला होगा, देश का विकास भी होगा। यहां किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है अवनिंद्र, ये सिर्फ और सिर्फ हम एक अपने विचार, अपने राय दे रहे हैं, देश की जनता ऑफ द रिकॉर्ड जो हमसे लगातार बात करती है, उसके विचार हम इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, जो वास्तविकता है। जोक शेयर करना चाहूंगा आपको, एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी कोई चैनल नहीं आ रहा है और सिर्फ लोकसभा की तस्वीरें आ रही है, तो मम्मी ने कहा, बेटा बहुत लकी है तू, सबसे अच्छा कॉमेडी शो यही है। अब बताइए आप, या आपने जो नजीर पेश किया अवनिंद्र, इसे ये जो सोच आई है, कहीं ना कहीं से आपको विश्वास हो गया है कि हमारे जो नेता हैं संसद में जो बैठते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं से मजाक उड़ा रहे हैं देश का। अवनिंद्र, आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में ऐसे सांसदों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें बहुत कुछ कहना था इस मानसून सत्र में, लेकिन वो एक शब्द नहीं कह पाए सिर्फ और सिर्फ हंगामे के चलते। वेल में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको स्पीकर से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि आप
प्ले कार्ड ना दिखा। जनता की भावनाओं की चिंता किसी को नहीं दिखी इस पे। बिल्कुल अपनी पार्टी की चिंता देखी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, लेकिन जो आने वाला कल है, जो आने वाला भविष्य है, उसमें एक खतरा हो सकता है संजय की आने वाली जो पीढ़ी है उसको लगेगा शायद यही शैली है संसद में काम करने का। देखिए रोज राज्यसभा लोकसभा की जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत की जाती है वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता है और कुछ ही समय बाद लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा के सभापति हो तमाम लोगों को संसद के कामकाज को स्थगित कर देना पड़ता है और कई बार इस स्थगन की प्रक्रिया को देखते देखते मानो ऐसा लगता है कि देश की जनता उब सी गई है। विश्व पटल पर लोग भारतीय राजनीति के बारे में किस प्रकार की धारणा अपने मन में रखते हैं उसका एक जीती जागती मिसाल देखने को मिल रही है। क्योंकि कल तक तो खबरें पढ़ी जाती थी और यहां तक कि लोकसभा की कई कई तस्वीरें तो ऐसी होती हैं अवनिंद्र की जिसे दिखाना बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है क्योंकि यदि वो दिखा दिया जाए तो और भी शर्मसार कर देने वाले मंजर दिखाई देंगे। लेकिन साफ तौर पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जिस तरीके से ये कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या है और लोकसभा टीवी से उन्होंने अनुरोध किया और ना सिर्फ लोकसभा टीवी से बल्कि सारे टीवी न्यूज चैनल को उन्होंने ये अनुरोध किया है कि दिखाइए आप देश की जनता को कि ये हैं आपके भारतवर्ष के सांसद। जनता ने देखा है तस्वीर के जरिए कि काम कम हुआ है नहीं हुआ है, शोर ज्यादा हुआ है, आप मानते हैं संजय जी? बिल्कुल सिर्फ शोर ही शोर हुआ है। विधेयक की बात करें जमीन अधिग्रहण बिल है, लैंड बिल है, इस पर भी अब तक गतिरोध जारी है। इसी बीच आप सुषमा स्वराज के आप इस्तीफे की बात करते हैं, सुषमा स्वराज के इस्तीफे की बात को अब कह दिया अरुण जेटली ने कि ये तो एक बहाना है। दो राज्य के मुख्यमंत्रियों और एक केंद्रीय विदेश मंत्री का इस्तीफा मांग लेना तो एक बहाना है। दरअसल कांग्रेस पार्टी जीएसटी बिल को रुकवाना चाहती है और उसमें ज्यादा दिलचस्पी है, जबकि ये जीएसटी बिल लागू करने की बात शुरू करने वाली ये कांग्रेस पार्टी ही है। यूपीए के कार्यकाल में इस पर गंभीरता से बहस हुई थी और अब जब इस पर मुहर लगाने की बात आ रही है तो इसे सीधे सीधे हटा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही राज्यसभा के पटल पर यह विधेयक रखा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वैसे ही कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया अवनिंद्र, और देखते ही देखते स्थगित करना पड़ा राज्यसभा के कामकाज को। लेकिन सवाल यह नहीं उठता कि राज्यसभा के कामकाज को स्थगित कैसे किया गया। अच्छा, विवादों के बाद जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमने मंजर देखा उसमें भी आरोप प्रत्यारोप का दौर ही रहा, वहां भी जनता की भावनाओं की बात नहीं की गई। आपने देखा होगा कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मुखारबिंद से किस तरह की बात निकलती है। वो कहते हैं कि सुषमा स्वराज ये बताएं कि ललित मोदी के द्वारा दिए गए पैसे उनके अकाउंट में कितने पहुंचे हैं, कब पहुंचे हैं, इससे देश की जनता कोई को सरोकार नहीं है। अवनिंद्र, देश की जनता तो ये जानना चाहती है कि उनके लिए आपने किस तरह के प्रस्ताव पारित करवाए। देश का किसान जानना चाहता है कि कर्ज के बोझ तले जो उसका पूरा परिवार अंधकार में जीवन जीने को बेकरार मजबूर है, विवश है, लाचार है, एक जिज्ञासा बनी हुई है, उसके पास कोई शब्द नहीं है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ और आरोप और प्रत्यारोप की लड़ियां लगा रहे हैं। आपने देखा होगा संसद के इसी सदन में जो मंत्रीगण होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनकी अपने आप में गरिमा होती है, वो उस न्याय के मंदिर के कहीं ना कहीं से देवता तुल्य होते हैं। जब देवता इस तरह की हरकत में लिप्त होगा तो आम जनमानस उससे अपेक्षा क्या कर सकता है। और कुल मिलाकर संसद के अंदर से जो बातें दुनिया के सामने जा रही है, हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो छवि है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन चंद नेताओं की वजह से जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो खेल खेलते हैं पूरी दुनिया में तस्वीर जाती है संजय, और कहीं ना कहीं से एक जो विश्वास है कि भारत की जो संसद है बहुत ही गरिमामय है, उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लेकिन अगर आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय देखते होंगे उनको भी तो शर्माती होगी। आपने सुना होगा रामायण की एक पंक्ति, जो मोहि मारा सो मैं मारा, यानी आपने हमको मारा था अब हम आपको मार रहे हैं। जब हमारी सरकार थी 26/11 का आतंकी हमला मुंबई में हुआ तो उस समय आपने तमाम चीजों को छोड़कर सीधे सीधे आप आके खड़े हो गए हम, और आपने एक महीने तक लगातार संसद के कामकाज को चलने नहीं दिया था। ये कहना है कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी का। संजय, ये जो प्रतिशोध की राजनीति आप देख रहे हैं ये कितना घातक है आने वाले दिनों के। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। आपने मॉनिटरिंग की बात की थी जी, बिल्कुल ये नासूर, एक प्रकार का नासूर बन चुका है अवनिंद्र, और इस प्रॉब्लम का परमानेंटली सोल्यूशन यदि नहीं निकला तो आने वाला दिन जो है वो और विकट भरा होगा, और खास करके देश की जनता, हम नहीं
ये हमारे वक्तव्य नहीं है, ये हमारे आरोप नहीं है, ये सवाल है देश की जनता का, जिसे इस लोकतंत्र में जनार्दन की उपमा दी गई है कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप सदन को नहीं चलने दें, सिर्फ अपने वैमनस्य को लेकर, सिर्फ अपने ईगो हट को लेकर। ये कौन सी राजनीति है अवनिंद्र, जबकि लगातार महज दो दिन रह गए हैं मानसून सत्र को, समाप्ति के कगार पर है मानसून सत्र, और आज भी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहते देखे गए कि मैं अपील करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि वो बिल्कुल शांति से सदन में आए और सदन के कामकाज को चलने दे। बिल्कुल, और कामकाज चलने का मतलब ही होता है विकास की अगर हम बात करते हैं तो समझा जा सकता है कि देश को भी विकास की जरूरत है, लेकिन चंद नेताओं की वजह से पूरी जो संसद का जो सत्र है वो आरोप प्रत्यारोप के दौर से ही उसका खात्मा हो रहा है। संजय, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में संसद की जो गरिमा है वो बरकरार रहे और लोगों को एक भरोसा हो, एक खुशी हो कि हमारे सांसद अच्छे हैं और देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि संसद में संग्राम चालू है। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए संजय मिश्रा के साथ इजाज़त। नमस्कार।